हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई कैपेसिटर को अपन अलग अलग क्रम में जोड़ने वाले हैं। एक तो है, पहला तो है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है क्या समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार के संयोजन होंगे। सबसे पहले अपन है श्रेणी क्रम संयोजन। तो अगर अपन इसको परिभाषित करें, वैसे इसको परिभाषित ना करके इसके गुणों के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन परिभाषित ही कर देते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, अगर अपन क्या बोले तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान अलग अलग, जिस पर संधारित्रों में क्या हो, विभव का मान तो क्या हो, अलग अलग हो, और आवेश का मान क्या हो, समान हो। तो मैंने कह दिया इस कैपेसिटर पर आवेश क्यू है, इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसी प्रकार अगर मैं समांतर क्रम संयोजन को अगर परिभाषित करूं तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिस पर विभव का मान समान, विभव का मान समान लेकिन आवेश का मान अलग अलग हो। आवेश का मान क्या हो, अलग अलग, समझ रहे हो इस बात को, तो ये कहलाएगा कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो देखो समांतर को एक बार मिटा देता हूं मैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका तुल्य परिपथ निकालेंगे, तुल्य परिपथ निकालेंगे या तुल्य धारिता का मान निकालेंगे। तुल्य धारिता मतलब का उसका मान, मतलब क्या होता है तुल्य धारिता का, तुल्य धारिता का मतलब होता है कि मैं C1, C2 और C3 तीन संधारित्रों की जगह एक संधारित्र लगा दूं। मान लो इन तीनों की जगह मैंने इनके बराबर मान का एक संधारित्र लगा दूं, तो उसको अपन कहेंगे इसकी तुल्य धारिता, यानी कि उस कंडीशन में ये तुल्य परिपथ जो होगा वो इस प्रकार का बन जाएगा। बात समझ लो, यानी इन तीनों का काम कौन करते, ये अकेला कर दे तो वो इसका सी इक्वलेंट हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत अच्छी बात है। तो अपन इसका ये सी इक्वलेंट का मान निकालना चाहते हैं। कैसे निकालें, मैंने कहा सीधा सिंपल सा फंडा है अपने पास में, जो चीज डिफरेंट है उसमें समीकरण बनाओ। जैसे मान लो कि यहाँ ए बी जो है अपन को वी वोल्ट देता है और वही वी वोल्ट इस पर तीन भागों में विभाजित हो जाता है, V1, V2 और V3 में। तो मैंने कहा टोटल विभव का मान क्या हो जाएगा, मैंने कहा V क्या होगा, मैंने कहा V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा क्या। अच्छा V1 V2 V3 अपन ने कर दिया, यानी कि इन तीनों का अपन क्या कर दे, जोड़ कर दे। अब यहां पर अपन ने कहा कि इस जो भी अपने डिफरेंट है उसमें समीकरण बन गई। अब जो चीज समान है उसमें अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे। समान क्या है, आवेश, क्यू क्या, चार्ज क्या है, इन तीनों में इक्वल है, उसमें कन्वर्ट कर जाते हैं। तो देखो हम जानते हैं सी इज इक्वल होता है क्यू अपॉन वी, होता है कि नहीं होता। यहां पे मेरे को वी में निकालना है तो वी इज इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन सी, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। इसी प्रकार अगर मेरे से कोई V1 पूछे तो V1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1, V2 पूछे तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन C2, V3 पूछे तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन C3। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो ना। तो ये अपन ये वैल्यू जो है V1, V2, V3 और V की मान अपन कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम वो समीकरण बनाएंगे जो चीज डिफरेंट है, डिफरेंट विभव का मान डिफरेंट था इसके ऊपर। तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लिया। अब मैं वी इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, क्यू अपॉन सी, और सी क्या, इक्वलेंट, भाई इन तीनों की जगह एक है ना ये, तो सी इक्वलेंट लिख दूंगा। इसकी जगह क्या जाएगा, क्यू अपॉन C1 आ जाएगा, इसकी जगह क्या जाएगा, क्यू अपॉन C2 आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन C3। हाँ कि ना, बोलो समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूं, क्यू अपॉन सी इक्वलेंट तो एज इट इज, यहां से मैंने क्यू कॉमन ले लिया, क्या बना, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, क्यू से क्यू कैंसिल आउट। तो यानी कि अपने पास क्या इक्वेशन आई, देखना एक बार, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। मेरी बात समझ में आई कि ये अपने पास तुल्य धारिता का फॉर्मूला आ गया, तुल्य धारिता का फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो संधारित्र दो होते हैं तो आप क्या लिखते, यदि दो संधारित्र होते तो आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये तो लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में आप अगर C इक्वलेंट निकालोगे तो यहां पे एलसीएम ले लूंगा C1 C2, क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा C2 और हो जाएगा C1, यानी C इक्वलेंट का मान कितना आया, इसका उल्टा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे यही होगा क्या, दो होगे तो, अगर कोई कहते एन होते तो,
यदि एन संधारित्र होते तो देखो आप इतना लिख लोगे, इसके बाद में मैं आगे अलग काम कर रहा हूं। यदि एन संधारित्र होते तो क्या होता, देखो अगर एन संधारित्र होते यहां पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/ क्या CN, अरे यही तो होता। और इन सभी संधारित्रों की धारिता अगर इक्वल होती तो यदि C1 बराबर होता C2 के और बराबर होता C3 के डॉट 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 बराबर होता CN के, मतलब ये सभी बराबर होते और इनका मान क्या होता C अगर होता तो अपन क्या करते तो अपन करते 1/C equivalent = 1/C + 1/C + ... कितनी बार, n बार 1/C, यानी इनको 1, 2, 3 कितनी बार जोड़ू, n बार जोड़ू तो 1/C equivalent कितना हो जाएगा, मैंने कहा n बार हो जाएगा, n/C हो जाएगा। अरे 1/C + 1/C, 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 2/C, 3/C, 4/C, n/C, तो ये आ गया। तो C equivalent कितना हो गया, मैंने कहा C/n, कोई दिक्कत है, समझ गए। अब इसी प्रकार से अगर आपसे कहते कि केवल दो ही संधारित्र होते जिनका मान क्या होता बराबर होता तो ऐसी कंडीशन में आंसर ये होता, तो आंसर क्या होता C/2, यानी कि अगर दो संधारित्र होते n का मान क्या होता, संधारित्र दो होते तो आंसर क्या होता C/2, समझ गए क्या, पढ़ लोगे नहीं कर लोगे, सिंपल सी बात है, कोई हाई फाई बात नहीं है। तीन संधारित्र होते तो C/3 आंसर होता। तो याद रखना अगर श्रेणी क्रम में, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर श्रेणी क्रम में हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... CN होता, कोई दिक्कत, नोट कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी भी हमने डेफिनेशन की तो बात मैं कर चुका हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, तीन संधारित्र हैं, 1, 2 और 3, तीनों संधारित्रों को अपन ने जोड़ दिया समांतर क्रम में, इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये ए बिंदु और ये कोई विद्युत स्रोत है ना, ये बी बिंदु, इस पर बी विभव दिया है। तो मैंने कहा अगर इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3, तो समांतर क्रम संयोजन वो संयोजन जिस पर विभव का मान क्या रहे समान रहे और अलग अलग क्या हो आवेश का मान अलग हो, यानी कि इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2 आवेश और इस पर Q3 आवेश, आवेश का मान क्या हो अलग अलग हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अब वही बात अपन यहां लिखेंगे, जो चीज डिफरेंट उसमें समीकरण बना दो। तो मैंने कहा मान यहां से मान लो कोई क्यू आवेश जा रहा है, वही तो तीन भागों में विभाजित हुआ है Q1 + Q2 + Q3, यानी कि अगर अपन लगाए क्या करें, अगर जो चीज डिफरेंट है उसमें समीकरण बनाए तो देखो क्या समीकरण बनेगी, मैंने कहा Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। अभी अभी मैंने बताया था C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/V, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/V। अगर मैं इन तीनों की जगह एक लगाऊं तो उसकी धारिता अगर C इक्वलेंट हो तो क्या लिखूंगा Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट V। इसी तरीके से आप कोई Q1 पूछिए तो आप बोलोगे C1 V, Q2 इज इक्वल टू क्या होगा C2 V और Q3 इज इक्वल टू क्या होगा C3 V, यही तो करोगे तो कर दो। करते हैं तो मैंने यहां पे लिख दिया ये सारे, ये जो मान है, ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये मान मैं समीकरण में रख देता हूं, रखने पर समीकरण एक है, ये मान समीकरण एक पर रखे तो लिखूंगा C equivalent × V = मैंने कहा C1V + C2V + C3V, ये तो लिखूंगा कोई दिक्कत। अब यहां से अपन बी क्या कर ले, कॉमन ले लें C1 + C2 + C3 और मैंने B क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अब दोनों तरफ B है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो C equivalent, यानी तुल्य धारिता का फॉर्मूला गया C1 + C2 + C3, कोई दिक्कत। ये अगर तीन संधारित्र हैं तो ये होगा, ठीक है, अगर n संधारित्र हैं, n संधारित्र हो तो ऐसी कंडीशन में C equivalent में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा C1 + C2 + C3 + ... CN। अगर उन सबकी धारिता समान होगी तो
यदि C1 बराबर हो, C2 बराबर हो, डॉट 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 बराबर हो CN भी, और इसकी सहायता हम C कह दें, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा C plus C डॉट 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 प्लस C, कितनी बार, N बार, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा N into C। ये तो करोगे, कोई दिक्कत है, सिंपल है, सिंपल है क्या, बहुत अच्छी बात है। तो एक समांतर क्रम संयोजन और पैरेलल क्रम संयोजन फटाफट से लिख लो आप, ये लोग बहुत अच्छी बात लिखी है। तो अब देखो, जैसे मान लो आपको इस प्रकार से दो संधारित्र दे दी, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बकवास सही है। ये मान लो 2 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है, और ये मान लो 2 ही माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, या मान लो 4 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, और आपसे क्या पूछती है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता निकालो, तो क्या करोगे, मैंने कहा 1 upon C equivalent = 1 upon 2 + 1 upon 4, यही करोगे, और आप इसका एलसीएम लगा के आराम से आंसर निकाल देंगे। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 तो आ गया एलसीएम, यू गेट 2 + 1, कितना हो जाएगा 3/4, यानी आंसर हो गया सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3। इसको करवाने का मकसद ये क्वेश्चन नहीं था, मकसद ये था कि जो आंसर आता है उसको उल्टा करना मत भूलना, आंसर जो आएगा उसको उल्टा करना मत भूलना, यहाँ पर गलती होती है बच्चों से, उल्टा करना भूल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आने का मान लो यही है, 2 माइक्रोफेरेड और एक है 4 माइक्रोफेरेड, इसका अगर आपसे कोई तुल्य धारिता पूछ ले ए और बी बिंदु पर, ये ए बिंदु कह दिया और ये बी बिंदु कह दिया, ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, यहां पे माइक्रोफेरेड लगा देना, 2 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड, तो आपसे कोई सी इक्विवेलेंट पूछे तो क्या कर दोगे, क्या कर दोगे बता दो, बोलो C1 + C2 तो 2 माइक्रोफेरेड + 4 माइक्रोफेरेड कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से आपको एक स्ट्रक्चर दे रखी है, और ये ए बिंदु दे दिया और ये बी बिंदु दे दिया, ठीक है, पर आपको ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान निकालना है, जबकि यहां पर जो संधारित्र दे रखे हैं वो ये सारे माइक्रोफेरेड में है, मैं सिर्फ डिजिट लिख रहा हूं, यहां पे जैसे मान लो ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 1 माइक्रोफेरेड का, ये 2 माइक्रोफेरेड का, और ये 2, ये भी 2, ये 1, ये 1 और ये 2 और ये 1, आपको इसके ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान निकालना है। एक बार सोच लो आप लोग फटाफट से, फिर करते हैं इसको। ठीक है, करते हैं अपने क्वेश्चन को। मैंने डिजिट इस प्रकार से लिए कि थोड़ा सा इजी बन जाए, अगर आप रैंडम भी कोई लोगे तो बहुत ही जटिल क्या, मतलब क्वेश्चन तो इजी है, सॉल्व करना इजी है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पे लेने के पीछे एक साजिश है, वो दिखाता हूँ आपको क्या है। देखो, मैंने कहा ए और बी के मध्य मुझे तुल्य धारिता का मान निकालना है, क्या करें, मैंने कहा इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पहचानने पड़ेंगे अपन को। तो सबसे पहले ये देखो कि आप किस के लिए 100% श्योर हो कि ये श्रेणी क्रम का है कि ये समांतर क्रम का है। तो मुझे ये दोनों दिख रहे हैं, देखो ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, भैया इनके बीचों कोई अलग से वायर थोड़ा निकला है, तो ये दोनों 100% में श्योर हूं ये किसमें है, श्रेणी क्रम। तो देखो, मैं इस डायग्राम के अंदर इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग अलग अलग करते रहो। अब 2 और 2 के सीरीज में जुड़े हुए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ए, कैसे होगा, अभी बताया था ना आपको, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा C/N, और 2 समान है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा,
दो आ जाए, c बाई टू हो जाएगा। तो दो का आधा कितना हो गया, एक हो गया। c कितना है, दो, और दो का आधा एक, यानी दो और दो एक। ऐसे नहीं कर सकते हो, c इक्वल इज इक्वल टू c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 करके देख लो, दो और दो चार, और दो प्लस दो चार, इज इक्वल टू कितना है एक, समझ गए क्या। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, एक। अब देखो इसको हटा देता हूं मैं, इसको मैं क्या कर दूं, हटा दूं, और इसकी जगह एक लगा दूं, कितने का, एक माइक्रोफैरड का। तो आप देखना एक बार, इसकी जगह मैंने एक माइक्रोफैरड का लगा दिया कैपेसिटर, कितने का, एक का। अब ये एक और एक कितने हो गए, इनका दो, तो इन दोनों की जगह एक लगा दूं, ये दोनों हटा दिए, और इसकी जगह क्या लग जाएगा, दो माइक्रोफैरड। ये श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू होगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो। अब देखो ये दो और दो कितने हो गए, मैंने कहा एक, दो और दो कितने हो गए, एक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दो और दो कितने हो गए, एक। कोई बाहर वाला सुनेगा ना तो अपन को पागल कहेगा, भैया दो और दो तो चार होते हैं, दो और दो कितने हो गए, एक हो गए, ठीक है। और एक कितना हो गया, एक और एक कितना हो गया, तो यहां पे अपन इसकी जगह क्या कर दे, दो का लगा दे। फिर देखो दो और दो, मैंने कहा एक, दो और दो एक, यहां पे लगा दिया मैंने दो और दो एक का, ठीक है। अब एक और एक, मैंने कहा दो, यानी इसको हटा दे और यहां पे लगा दे दो का, दो और दो, मैंने कहा एक, और एक दो, यानी सी इक्विवेलेंट जो होगा इसका क्या होगा, दो माइक्रोफैरड होगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है भैया। श्रेणी यहाँ पे साइड वाले जो हो गए थे, अभी वापस बना के बता देता हूँ एक बार आपको। इस प्रकार से अपना डायग्राम था, बेंजीन टाइप पे अपन ने बना लिया था, और इनके बीच में इस प्रकार से एक तार जोड़ लगा दिया था। ये दो दो के थे, ये एक का था, ये दो का था, ये एक का था, ये दो का था, ये एक का था, ये दो का था, ये एक का था। बाहर वाले सारे दो के, और अंदर वाले सारे एक के, ठीक है। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये इसके समांतर क्रम में, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके श्रेणी क्रम में, फिर ये इसके समांतर क्रम में हो जाएगा, फिर ये इसके श्रेणी क्रम में, ये इसके समांतर क्रम में, ये इसके श्रेणी क्रम में, ये इसके समांतर क्रम में। सॉल्व आराम से सॉल्व हो जाएगा, कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है। एक और अपन टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नहीं इसी में है, कॉम्बिनेशन भी है, और आपको संधारित्र दे रखा है कुछ इस प्रकार से। संधारित्र दे रखा है आपको इस प्रकार से, ऐसे दे, इसके बीच में एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने एप्सिलॉन आर वन कह दिया, इसके बीच में एक दूसरा दे दिया जिसका डायरेक्टिव मुझे मैंने एप्सिलॉन आर टू कह दिया, ठीक है। इनके बीच की जो मोटाई है वो मैंने क्या कह दी, वैसे तो डी लेते हैं अपन लोग, और इनके बिल्कुल बीचों बीच ही है, तो यहां से यहां तक की होगी डी बाई टू, और यहां से यहां तक की होगी डी बाई टू, ठीक है। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनो ना, ये दो कैपेसिटर हो गए जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो अब इसमें मैं कह दिया, इसका अगर धारिता सी वन है, इसकी धारिता अगर सी टू है, तो सी वन का मान कितना होगा, C1 का मान कितना होगा, मैंने कहा याद करो पहले प्लेट कैपेसिटर में फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता था। अगर बीच में मीडियम रख दिया तो जहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ होता है उसके मल्टीप्लाई में आएगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर बना जाएगा, अगर बने तो बना जाएगा, तो टू आ जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो जहां पे एप्सिलॉन लिखा हुआ उसके मल्टीप्लाई में आएगा एप्सिलॉन आर। प्लेट का क्षेत्रफल ए ही है, ठीक है, इनके बीच की दूरी डी थी, लेकिन यहां सी वन तो यहां तक है ना, लिखूंगा डी बाई टू, डी की जगह लिखूंगा डी बाई टू, टू ऊपर चलेगा तो सी वन का मान आ गया, बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार सी टू का मान भी आप लोग निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई एप्सिलॉन ए अपॉन डी तो फॉर्मूला होता ही है, और डी की जगह डी बाई टू लिखूंगा, डी की जगह डी बाई टू और एप्सिलॉन आर टू, ठीक है। और अब आपको निकालना सी इक्विवेलेंट क्या होता है, मैंने कहा सी वन सी टू अपॉन श्रेणी क्रम में क्या होता है, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू तो होता है, तो उसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। दोनों का मान रखे आप लोग आराम से आंसर निकाल सकते हो, चलो करके देख लेते क्या हो जाएगा भैया। चार कर लेंगे इसको, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन आर टू फिर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू। सी वन कितना है मतलब ये है सी टू ये है दोनों को जोड़ना है तो जो चीज कॉमन आएगी उसको तो बाहर निकालो टू कॉमन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा ए कॉमन आ जाएगा और डी कॉमन आ जाएगा अंदर क्या बचा भाई अंदर बचेगा एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर देख लेगा तो कोई गुणा भाग में गलती ना हो जाए अपनी तो टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो मैंने लिया कॉमन यहाँ बचिए एप्सिलॉन आर ये बचिए एप्सिलॉन आर टू अब देखो ये तो कटा इनका दो आ जाएगा एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कट जाएगा ए से एक ए कट जाएगा और डी से एक डी कट जाएगा अब यानी कि आंसर क्या हो गया सी इक्वलेंट इज इक्वल टू देखना एक बार एप्सिलॉन नॉट ये बच गया ना एप्सिलॉन और ऊपर क्या हो गया एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन आर टू और क्या हो गया ए अपॉन बी और नीचे आ गया एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू यही तो होगा कोई दिक्कत तो नहीं है सेट हो गई क्या ठीक है नोट कर लो फटाफट से इसको ए टू बच गया था ए टू लगा देंगे अपने में ठीक है ना ये आंसर हो गया फिर इसके बाद में देखते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन में अपन क्या करेंगे देखो सब इसी का समांतर क्रम संयोजन हम लोग देखना चाहते हैं तो देखो एक संधारित्र है और उसको इस बार इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांट दिए ठीक है यानी इसके क्षेत्र ए जो प्लेट का क्षेत्रफल ए था वो बराबर दो भागों में विभाजित हो गया बी पर कोई फर्क नहीं पड़ा पहले क्या हो रहा था बी पर फर्क पड़ रहा था यहां पे मान लो क्या है इसका एप्सिलॉन आर वन कह दिया ठीक है और इधर मैंने कह दिया इस पे है एप्सिलॉन आर टू ये एक तरीके से समांतर क्रम संयोजन है तो यहां पे अगर अपन को निकालना होगा तो मैंने कहा सी वन निकालेंगे और सी टू निकालेंगे देखो सी वन और सी टू का मान क्या होगा देखते हैं C1 ऊपर वाले को मैंने C1 कह दिया नीचे वाले को C2 कह दिया C1 का मान क्या होगा मैंने कहा फॉर्मूला तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता ही है ना होता ही नहीं होता A की जगह क्या लिखूंगा A by 2 A की जगह क्या लिखूंगा आधे आधे जाएंगे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधा तो A by 2 लिख दिया एप्सिलॉन नॉट के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है एप्सिलॉन आर 1 है आ जाएगा इसी प्रकार मैं सी टू और निकाल दूं सी टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2 इंटू डी भाई डी पे कोई फर्क ही नहीं है और यहां आ जाएगा एप्सिलॉन आर ठीक है और सी इक्वलेंट क्या होगा सी इक्वलेंट हो जाएगा सी वन प्लस सी टू ये तो पहले वाले का आंसर था भैया सी इक्वलेंट इज इक्वल टू सी वन ई प्लस सी टू इन दोनों को जोड़ दो जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू बी तो आ गया कॉमन और क्या है ऊपर एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू ये आंसर हो जाएगा सिंपल यानी कुल मिला के इसका श्रेणी क्रम समांतर क्रम आप लोग पहचान लो कि भैया अगर इस प्रकार से अगर आपको कैपेसिटर में प्लेट डाल दी है तो क्या वो श्रेणी क्रम और अगर उसमें आपको मान लो इस प्रकार से डाल के दे दी आपको प्लेट मान लो ऐसे दे दी तो तीन कैपेसिटर होगा सी वन सी टू और ये सी थ्री इसी प्रकार यहाँ पे भी मान लो ऐसे भी कर सकता था तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी वन हो जाएगा इसका सी टू हो जाएगा और इसका सी थ्री ये तो क्या श्रेणी क्रम और ये हो जाएगा इसका समांतर क्रम समझ में आ गया मेरी बात तो आज हम इतना ही करेंगे आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा और उसके अलग अलग तरीके देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल है और भी इसके जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको अगले चैप्टर में करूंगा जब मैं आपको रेजिस्टेंस का पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा यानी प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाऊंगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम वहां पे भी होंगे उस पर बेस वहां पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर न्यूमेरिकल आएंगे ना वो न्यूमेरिकल मैं आपको उस चैप्टर में करूंगा तो आज के समाचार समाप्त होते हैं नमस्कार।